मेरे घर में ना हर 10-15 दिन में कुछ भी ऐसे ना डिफरेंट नाश्ता बनता है जो फ्राइड फॉर्म में होता है। तो रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाती मैं फ्राइड चीज़ें। तो क्या था कि सब चीज़ें से अलग मुझे कुछ बनाना था, तो आज मैंने ये ट्राई करा, लच्छा पूरी और कढ़ाई आलू। मतलब ये इतने अच्छे बने थे, और आप ये रेसिपी अगर देखोगे तो आप भी ये ट्राई करना। अच्छा नाश्ता है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने अदरक लिया और इसको ब्लेंडिंग जार में डाल के 2 लहसुन डाले और टमाटर डाल के इसका एक पेस्ट बना लेना। और मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बना रही हूँ कि मेरे घर में ना रिपीट नहीं होती चीज़ें, तो मुझे होता है कि उतनी बनाऊँ जितनी ख़त्म हो जाए। तो ये जीरा हींग डाला और ये पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा भूनना, और जब तक ये थोड़ा सा ऑयल सेपरेट ना करे। और इस इधर हमने सूखे मसाले लिए, नमक, मिर्च, हल्दी, और यहाँ पे लिया मैंने कोरिएंडर पाउडर। उसको हमने दही के साथ, योगर्ट के साथ मिक्स करके पेस्ट बना देना। फिर जैसे ही इस मसाले ने थोड़ा ऑयल सेपरेट करा, दही वाला मसाला डाला, और दही वाला मसाला डालने के बाद थोड़ा भूनना। जैसे ही थोड़ा सा भून जाएगा, जैसे ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल दिया। कोकोनट पाउडर के साथ 1-2 मिनट भूना, फिर आप गर्म पानी डाल के उसको एक साइड में पकने छोड़ दो। और दूसरे पैन में थोड़ा घी लिया, ऐसे स्लाइस्ड अनियन, तीनों कलर की पेपर्स ली, और उसको थोड़ा सा सौते करा। उसमें मैंने डाला किचन किंग और टमाटो प्योरे, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। और यहाँ पे कढ़ाई मसाला बनाने के लिए ना होल कोरिएंडर, क्यूमिन सीड और अनारदाना और थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न, इनको डाल के आप एक दरदरा सा पीस लेना मसाला। जैसे ही ये हल्का सा सोते हुए, हमने बॉयल डालू वो डाले इसमें, और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था और कढ़ाई मसाला डाल दिया। फिर हमने ग्रेवी के अंदर जो हमने ग्रेवी बनाई थी ये वाला मसाला डाला, फिर ऊपर से फिर से कढ़ाई मसाला थोड़ा सा डाला और थोड़ा कोरिएंडर डाला। 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखा और गैस बस बंद कर दी। अब एक साइड पे हम अब बनाएंगे पूरी का आटा। पूरी के आटे के लिए नॉर्मल आटा लेना, उसमें नमक और अजवाइन डालना, और सॉफ्ट आटा गूंदना, तेल मत डालना, क्योंकि अगर हमने अभी तेल डाल दिया ना तो जो लच्छा पराठा है ना वो बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के भी हम थोड़ा तेल यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा तेल से खस्ता हो जाएगी। हमें खस्ता नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट पूरी चाहिए। पूरी सॉफ्ट होती है और लच्छे नहीं फिर दिखेंगे, कचौड़ी होती है खस्ता। तो इस तरह से फिर मैंने पेड़े बना के भी पहले सारे रख लिए। उससे क्या होता है, उसमें एयर निकल जाती है, तो उसको रोल करना ईजी होता है, और लच्छे भी ढंग से बनेंगे फिर, अगर आपका एयर निकली होगी ना आटे में से। तो आप इस तरह से तेल लगा के उसके अंदर घी लगाया मैंने। घी लगाने के बाद सेंटर से एक कट दिया, कट देने के बाद अब उसको रोल रोल ऐसे घुमाते जाना, और एक ऊपर फिर नॉर्मली ऐसे पेड़ा बना लेना इस तरह से। और इसको भी सारे पेड़े एक बार, थोड़े से पेड़े ऐसे बना के रख लिए। फिर जब बनाने के बाद फिर एक एक करके बेलना, पहले आप पेड़े बनाना, फिर उसके बाद बेल, मतलब अंदर लच्छे वाले सेट कर लेना, फिर एक एक पूरी को करा। और ये थोड़ी बड़ी बनती है, और टाइम मतलब छोटी छोटी नहीं बनाना ये, मतलब थोड़ी अच्छी साइज़ की बनती है, और कम में ही आपके जल्दी जल्दी निपट जाओगे, आप अपना काम ख़त्म कर लोगे, कि लंबा चक्कर नहीं है। क्योंकि ये छोटी छोटी नहीं बनानी, ये थोड़ी अच्छी पूरी बनती है, और फूलती भी अच्छी है, और लच्छे भी दिखाई देते हैं, और अच्छा टेस्ट आता है, डिफरेंट एक चीज़ हो जाती है। तो आप ये इसके साथ रायता सर्व कर सकते हो, अचार, रायता, कुछ भी आपका मन है। तो ये मतलब अब सब्ज़ी अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त है, आप सिर्फ पूरी के साथ नहीं, जब भी आपका मन करे, नॉर्मली आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हो, साइड डिश में बना सकते हो, कभी कुछ आपके डिनर विनर हो तो ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।